हे गाइस, वेलकम टू पार्था चैनल। तो आज के वीडियो में ना उस वीडियो में हम बनाने वाले एक पोर्ट्रेट। पर गाइस, ऐसा पोर्ट्रेट होगा, सिंपल सा होगा, बट आप पहचान नहीं पाओगे कि इसका फेस इधर की तरफ है, इधर की तरफ है या फिर इधर की तरफ है। आप बिल्कुल भी पहचान पाओगे। अगर आप पहचानते हो तो कमेंट करके बता देना। और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त के साथ शेयर करो जिनको आर्ट पसंद है। गाइस, स्टार्ट। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम। लेट्स गो। सो गाइस, अब बनाना मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। तो मैं आपको बता दूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्ट लाइन की पेंसिल। तो मैं आपको दिखा दूँ किस टाइप की पेंसिल है। सारे ग्रेड्स एक मिल जाते हैं, जैसे कि एच बी, टू बी, फोर बी, सिक्स बी, एट बी और टेन बी। टेन बी सबसे हार्ड और डार्क रहती है। इसके अंदर पूरे आपको सिक्स शेड्स देखने को मिलते हैं, पूरे सिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। स्टार्ट कर रहा हूँ अभी मैं ड्रॉ करना। सो आउटलाइन कोई इस टाइप की है। मैं इमेज निकाल लेता हूँ, कौन सी इमेज है। इमेज काफ़ी अच्छी है, शेड करेंगे हम काफ़ी अच्छी तरह। गाइस, ये कोई इमेज नहीं है, मतलब ये कहीं पर नहीं है, ये मैंने अपने आप से कुछ ड्रॉ करा है। तो मैंने इसमें एक बार उसको पूरा शेड करके ऐप से कर लिया था। मैं ब्लेंडिंग स्टंप्स का भी यूज करने वाला हूँ। गाइस, चारकोल का तो यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इसका यूज करेंगे। तो ये रही पेंसिल्स। चलो ड्रो करते हैं। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ नोज। तो नोज करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एच बी पेंसिल। और गाइस, मैं ना एच बी पेंसिल्स को तो एचबी पेंसिल मेरे काफ़ी पसंद है। मैंने आउटलाइन एचबी पेंसिल से ही करी है उसकी। मैं उसके अलावा और कोई पेंसिल यूज नहीं करता हूँ एचबी के अलावा आउटलाइन। बट अगर ये रहता है कि मेरे को इस पेंसिल से ड्रॉ करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं यूज करूँगा अपनी 16 पेंसिल, जो कि काफ़ी डार्क पेंसिल है। बट गाइस, ये ना जितनी भी डार्क पेंसिल्स रहती हैं इनके नोक है जो वो काफ़ी जल्दी टूट जाती है, इसलिए मुझे इतनी भी पसंद नहीं है डार्क पेंसिल्स। मेरी एचपी पेंसिल काफ़ी अच्छी फेवरेट है। जहाँ पर लाइट होगा वहाँ पर लाइट करूँगा, क्योंकि फिर मैं लास्ट में ब्लेंडिंग स्टंप का यूज करूँगा। अभी मैंने माइक लगाया, जो आप कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है माइक, मतलब वॉइस कैसी आ रही है आपको, कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ आईब्रोज पर। अब आईब्रोज को भी ड्रॉ करते हैं। आईब्रोज को भी हम डार्क डार्क करेंगे और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर लाइट करेंगे। अब पहले मैंने नोज को ब्लेंडिंग स्टंप से डार्क ब्लेंड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं कैसे ब्लेंड कर रहा हूँ, उस टाइप से आप करना। आप ब्रश भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टंप नहीं है तो। ड्राइंग बुक के ऊपर बना रहा हूँ स्केच को, और मेरी ड्राइंग बुक
शेडिंग भी काफ़ी रफ आएगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी सॉफ्ट नहीं है ये पेपर इतना। तो गाइस यहाँ पर हमारी डार्क हो चुकी है, अब मैं उसे ब्लेंड कर लूँगा। तो मैंने ब्लेंड कर लिया है, अब मैं करने वाला हूँ और पार्ट, मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ गाइस, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो गाइस अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए होती है तो कमेंट करके बता दे करो, मैं उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। और गाइस यहाँ पर आप देखो नीचे कि देखो गाइस देखते इतने सारे लोग हैं पर सब्सक्राइब इतने सारे लोग हैं, आपको दिख रहा होगा लिस्ट। तो गाइस देखते हो तो गाइस सब्सक्राइब भी कर दे करो प्लीज, और पूरी वीडियो देखते करो, इनको आर्ट में इंटरेस्ट है तो देखते होंगे। गाइस इस वीडियो का ना मैं शॉर्ट भी डाल लूँगा, वो जरूर आप चेक कर लेना। जो पार्ट है उसको मैं थोड़ा थोड़ा शेड भी कर रहा हूँ और हल्का हल्का डार्क भी कर रहा हूँ। गाइस आपको अदर वॉइस आ रही होगी उसके लिए सॉरी, बट काफी अच्छे तरह शेड करूंगा कि हमें मतलब लगेगा कि इसका फेस कैसा है, नहीं पता चलेगा हम लोग को। सो गाइस फोटो को बार बार अरेंज करना पड़ता है। अब मैं जो ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा डार्क कर दूंगा।
डार्क स्टार्ट होती है, मतलब डार्क पेंसिल स्टार्ट होती है वो होती है 4B से स्टार्ट हो जाती है। 2B और मतलब सारी पेंसिल डार्क रहती है पर इतनी डार्क नहीं रहती 2B और HB। और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि गाइस अब आप कमेंट करके बताओ कि इसका फेस इधर की तरफ है या फिर इधर की तरफ है या इधर की तरफ है, कमेंट करके बताओ या फिर सीधा है। तो अभी इस टाइप का आर्टवर्क है, एक बार आपको मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, इस टाइप का लग रहा है। सो गाइस वीडियो मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है, शूट कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। सो गाइस वीडियो मेरी यहीं तक थी, छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। गाइस थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना और कमेंट करके बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। बाय।